सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खतरनाक क्रिएशन। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप इंडिपेंडेंस डे कॉन्सेप्ट फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, जो कि गाइस स्क्रीन पर जो आपको पिक दिख रहा है मैंने आज ही इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था। तो फोटो के नीचे कुछ कमेंट भी आए इस पर ट्यूटोरियल लाओ, तो मैंने सोचा चलो इंडिपेंडेंस डे वैसे भी आने वाला है तो मैं इस पर ही ट्यूटोरियल बना देता हूँ। तो गाइस, अगर आप चाहते हैं इस टाइप की फोटो को एडिट करना तो आप वीडियो को पूरा ही देखना, तभी आप इस टाइप की फोटो एडिट कर पाओगे। तो गाइस, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेगा। और हाँ गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। तो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको बैकग्राउंड को कर लेना है यहाँ से सिलेक्ट। तो बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको करना क्या है, सबसे पहले हम करेंगे क्लाउड की पीएनजी को ऐड। तो यहाँ से जाएंगे हम सिंपली गाइस आपको ऐड फोटो में। तो ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से हम गाइस सिलेक्ट करेंगे क्लाउड की पीएनजी। तो यहाँ से जितना भी बैकग्राउंड पीएनजी का यहाँ से यूज़ करूँगा, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ के आप सिंपली सभी पीएनजी बैकग्राउंड को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके गाइस, उसके बाद आपको करना क्या है, इस क्लाउड की पीएनजी को यहाँ पे सिलेक्ट करना है अपने फोटो में। उसके बाद इसकी ओपेसिटी को गाइस आपको 60 या 50 लेना है। उसके बाद सिंपली गाइस आपको कुछ भी नहीं करना है, डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको करना क्या है, फिर जाना है आपको ऐड फोटो में। तो ऐड फोटो में जाने के बाद यहां से गाइस आपको इंडियन का एयरप्लेन है इसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको ऐड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद इसको गाइस आपको कुछ इस टाइप से ऊपर की साइड एडजस्ट करना है। उसके बाद आपको डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर से जाना है गाइस आपको ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको स्टोन की पेन यहाँ से करना है सिलेक्ट। उसके बाद आपको ऐड फोटो में क्लिक करके इसको गाइस आपको नीचे की साइड आपको इसको एडजस्ट कर देना है। तो एडजस्ट करने के बाद गाइस आपको कुछ भी नहीं करना है, ऐसे फिर से आपको डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है फिर से ऐड फोटो में। तो ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से गाइस आपको इंडियन का एरोप्लेन है इसको आपको फिर से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इस साइड से आपको इसको एडजस्ट कर लेना है। तो इसको एडजस्ट करने के बाद गाइस आपको कुछ भी नहीं करना है, ऐसे करना है आपको डन वाला ऑप्शन पे क्लिक। उसके बाद हम थोड़ा इसमें डालेंगे डीएसएलआर इफेक्ट। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, ऐसे जाना है आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन पर। इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको ब्लर टूल सेलेक्ट करना है। ब्लर टूल को सिलेक्ट करने के बाद इसकी जो ओपेसिटी है वो गाइस आपको रख लेना है यहाँ से 5 to 10। उसके बाद आपको इरेजर टूल सेलेक्ट करके यहाँ पे गाइस नीचे का पार्ट है उसको ही इरेज करना है, बाकी सारा ब्लर कर देना है। उसके बाद हम फोटो को ऐड करेंगे। तो फोटो को ऐड करने के लिए आपको ड्रॉ वाले टूल पर जाना है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको फोटो वाले ऑप्शन पर जाना है। फोटो वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको अपने फोटो का कटआउट कर लेना है। तो मैंने गाइस ऑलरेडी अपने फोटो का कटआउट कर रखा है। तो यहां से हम करेंगे फोटो को सिलेक्ट। तो फोटो को सिलेक्ट करने के बाद आपको डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको अपने फोटो को बैकग्राउंड पर अच्छी तरीके से एडजस्ट कर देना है। तो एडजस्ट करने के बाद आपको कहीं पर भी टैप करके डन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहां से देख सकते हैं हमारे फोटो यहां से अच्छी तरीके से एडजस्ट हो चुका है। अब गाइस आपको करना क्या है, फिर जाना है आपको ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको स्टोन की पेंज यहाँ से कर लेना है सिलेक्ट। तो स्टोन की पेंज को सिलेक्ट करने के बाद आपको ऐड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे की साइड इसको इस टाइप से एडजस्ट करना है जैसे गाइस मैं कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप। उसके बाद आपको डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर जाना है गाइस आपको यहाँ से जाना है इफेक्ट वाले टूल पर। तो यहाँ से हम करेंगे स्टोन को थोड़ा सा ब्लर, उसके लिए हम जाएंगे ब्लर वाले टूल पर। इसकी ओपेसिटी वो गाइस हम रखेंगे 10 के आसपास। उसके बाद इरेजर टूल सेलेक्ट करेंगे। इरेजर टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम कर देंगे सारा रिमूव। तो रिमूव करने के बाद सिंपली गाइस आपको अपने स्टोन पर इस टाइप से ड्रॉ कर देना है, जिस टाइप से गाइस डीएसएलआर इफेक्ट में है तो पास में थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट आता है, उस टाइप से ही आपको इस पर ड्रॉ कर देना है। तो ड्रॉ करने के बाद यहाँ से अच्छी तरीके से हमारा जो स्टोन है यहाँ पर आ जाएगा ब्लर। उसके बाद गाइस आपको करना क्या है, यहाँ से जाना है आपको ऐड फोटो में। तो ऐड फोटो में जाने के बाद जो फ्लैग का पोल होता है उसको गाइस आपको सिलेक्ट करना है सिंपली। तो सिलेक्ट करने के बाद आपको ऐड फोटो में क्लिक करना है। उसके बाद इस पोल को आपको अपने हाथों पर अच्छे तरीके से एडजस्ट कर देना है। ओके गाइस, तो एडजस्ट करने के बाद सिंपली गाइस आपको कुछ भी नहीं करना है, ऐसे करना है डन वाला ऑप्शन पे क्लिक। फिर से आपको आना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में आने के बाद इंडियन फ्लैग का पीएनजी यहां से सिलेक्ट करना है। तो फ्लैग का पीएनजी सिलेक्ट करने के बाद सिंपली गाइस आपको इसको जूम करके अपने फोटो में अच्छी तरीके से एडजस्ट करना है। उसके बाद ऊपर का पार्ट इरेज करके आपको यहां से कर देना है डन वाला ऑप्शन पे क्लिक। तो डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है गाइस फिर से ऐड फोटो में। तो ऐड फोटो में जाने के बाद आपको यहां से सिलेक्ट करना है गाइस वाइट लाइट की पीएनजी। तो सिंपली गाइस आपको आना है यहां से वाइट लाइट पेंज यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो व्हाइट लाइट के पेंज को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली गाइस आपको यहाँ से अपने फोटो के चारों तरफ एडजस्ट करना है। बट गाइस आपको इसकी शेडो जो ओपेसिटी होती है उसको गाइस आपको कम करना होगा, क्योंकि जब ही आपका फोटो थोड़ा सा यहाँ से रियल महसूस होगा। ओके, उसके बाद गाइस आपको करना क्या है, यहाँ से जाना है यहाँ से ड्रॉ वाले टूल पर। तो ड्रॉ वाले टूल पर जाने के बाद आपको इस फोटो को कर लेना है सेव। तो गाइस फोटो को सेव करने के बाद आपको यहाँ से कर लेना है अपने फोटो को सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आपको शेयर वाले आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद अपने फोटो को आपको लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन कर लेना है। तो फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन करने के बाद आपको ऑल फोटोज़ पे जाना है। ऑल फोटोज़ पे जाने के बाद आपको कर लेना है यहाँ से अपनी पिक को सिलेक्ट। तो पिक को सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको करने के होगा, सबसे पहले आपको जाना है यहाँ से लाइट वाला ऑप्शन पर। लाइट वाला ऑप्शन पे जाने के बाद देख सकते हैं हमारे फोटो में पहले से ही लाइट है। तो यहाँ से हम करेंगे एक्सपोजर को थोड़ा सा कम। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ से कंट्रास्ट को बढ़ा देना है, और जो शेडोज का ऑप्शन है इसको गाइस आपको थोड़ा सा कम करना है।
इसको कम करने के बाद आपको ब्लैक को भी कम कर देना है। उसके बाद आपको जाना है थर्मामीटर वाले ऑप्शन पर, इसके टेम्परेचर को बढ़ाना है और नीचे वाइब्रेंस का ऑप्शन मिलेगा, इसको गाइस आपको कम करना है। उसके बाद आपको ऊपर जाना है गाइस मिक्स वाले टूल पर, मिक्स वाले टूल पर जाने के बाद सेकंड वाला कलर सेलेक्ट करना है, इसकी जो सेचुरेशन है वो गाइस आपको कम कर देना है, और जो यहाँ से ग्रीन कलर है ग्रीन कलर को सेलेक्ट करना है और इसकी सेचुरेशन को गाइस थोड़ा सा आपको इसको भी माइनस करना है। उसके बाद आपको ब्लू कलर सेलेक्ट करना है, इसकी सेचुरेशन फुल माइनस कर देना है। उसके बाद आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे वाले टूल सेलेक्ट करना है, उसके बाद इसकी शार्पनिंग को बढ़ा देना है, उसके बाद आपको ऊपर वाले टूल सेलेक्ट करके इसकी क्लैरिटी को बढ़ाना है, बेज को बढ़ाना है, और लास्ट में आपको मिलेगा बेनेट का ऑप्शन, इसको गाइस आपको कम कर देना है जिससे हमारे फोटो में चारों तरफ गाइस डार्कनेस आ जाए। उसके बाद गाइस आपको करने का यहाँ से ग्रेन इफेक्ट को बढ़ा देना है। तो यहाँ से गाइस आप अपने फोटो को यहाँ से जूम करके देख सकते हैं, बिल्कुल गाइस आपका फोटो क्लियरिटी में प्लस गाइस HD में एडिट हो चुका है। देख सकते हैं गाइस बहुत ही ज़्यादा फर्क आ चुका है जब हमने अपने लाइटरूम एप्लीकेशन से इसको रिटच करा। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक और गाइस शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।